डियर स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बच्चों ये क्लास सिक्स का एन का मैथ math है मैथ्स क्लास सिक्स तो यह चैप्टर सेवन है एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन तो लास्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज का फाइव क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दे चुका हूँ और आज हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर सिक्स तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स आर्या अभिमनु एंड विवेक शेयर लंच यहाँ तीन बच्चे हैं और आर्या हैज़ अबाउट टू सैंडविचेस आरिया दो सैंडविच लेकर आया है वन मैड ऑफ वेजिटेबल एंड वन ऑफ जैम अब जैम लगाओ या सब्जी वाला बता रहा है जैसे कि सब्जी वाला है और जैम वाला है तो इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे ताकि बच्चे गड़बड़ करें सब्जी वाला रहे या जैम वाला रहे वो दो ही है आपको ध्यान रखना है कि सैंडविच कितना है दो है द अदर टू बॉयज फॉर गेट टू ब्रिंग देयर लंच मतलब दो और बच्चे जो है उन लोगों ने कुछ भी नहीं लाया भूल चुके हैं लंच लाने के लिए आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ इच सैंडविचेस अब आर्या जो है अपने लंच को वो शेयर करने के लिए तैयार है बांटने के लिए तैयार है तो फिर वो किस तरह से बांटे कि उन सभी को इक्वल पार्ट मिला क्या मतलब कैसे बांटा वो तो यहाँ पे ए नंबर में जैसे कि पूछ रहा है ए नंबर हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर आर्या अपने सैंडविचेस को किस तरह से बांटेगा कि सभी को इक्वल शेयर बराबर पार्ट मिलेगा फर्स्ट में ये पूछ रहा है और सेकेंड में व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल इच्च बॉय रिसीव तो उन लोग को जब डिवाइड होगा तो फिर उन लोग कितने पार्ट को प्राप्त करेंगे इस तरह से बी नंबर पूछा गया है इसको थोड़ा सा लिख के बनाना होगा तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर रख देता हूँ और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पे सबसे पहले ए नंबर जो बोल रहा है उसमें लिखना होगा आर्या हैव टू इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा लंबा लिखना है आर्या विल हैव टू डिवाइड इच सैंडविचेस इन टू थ्री इक्वल पार्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट इक्वली आर्या अपने सैंडविचेस को तीन बराबर भागों में उसको बांटेगा एक सैंडविच को तीन पार्ट बनाएगा दो सैंडविच है उसके पास इस तरह से एक मान लेते हैं ये है और एक इस तरह से दूसरा हो गया तो अब तीन बच्चों में बांटना है क्या करेगा इसको दो पार्ट बाँटेगा यहाँ पे तीन हो गया और फिर इसको तीन टुकड़ा करेगा ठीक है यहाँ पे तीन और तीन टुकड़ा हो गया तो छः टुकड़ा जो है दो दो टुकड़ा तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरह से वह तीन इक्वल पार्ट करना है एक का उसके बाद तीनों इक्वली बांट सकते हैं उसको उसके बाद बी नंबर में क्या कह रहा है बी नंबर में कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ ए सैंडविच विल इच बॉय रिसीव एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा कितना पार्ट मिलेगा टोटल पार्ट कितना हो गया टोटल पार्ट हो गया सिक्स सिक्स हो गया और एक बच्चे को कितना मिला दो पार्ट इस तरह से टू बाय सिक्स हो जाएगा तो ये कट जाएगा टू थ्री जा सिक्स तो ऊपर में क्या बच गया वन कितना हो जाएगा वन बाय थ्री पार्ट एक बच्चे को इतना मिलेगा तो ये आंसर हो जाएगा ए नंबर में इसको लिखेंगे ये आंसर हो जाएगा और बी नंबर में ये आंसर हो जाएगा एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है यहाँ पे बाई मिस्टेक फोर मैंने लिख दिया था यहाँ पे सिक्स हो जाएगा ये सिक्स नंबर का क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन और यहाँ पे क्या कह रहा है कंचन डाइज डाइज ड्रेसेस डाइज ड्रेसे, ड्रेसे मतलब होता है कलर करना उसको रंगना कंचन ड्रेसेस मतलब कपड़े रंगती है सी हैड टू डाई थर्टी ड्रेसेस उसको तीस ड्रेसेस रंगना था सी हैज़ सो फार फिनिश्ड ट्वेंटी ड्रेसेस और वह बीस ड्रेसेस को रंग पाई वट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ द फिनिश्ड तो फिर जितना फिनिश की जितना ड्रेसेस को वो रंगती है तो उसका क्या फ्रैक्शन होगा वो किस प्रकार से फ्रैक्शन में हम लोग उसको दिखा सकते हैं तो जो टोटल नंबर होता है हम लोग पहले बना चुके हैं फ्रैक्शन में क्या होता है टोटल नंबर जो होता है वो नीचे होता है थर्टी हो गया और जो फिनिश हुआ वो ट्वेंटी हो गया ट्वेंटी तो इस तरह से ये फ्रैक्शन हो जाएगा अब ये क्या होगा ये कट जाएगा ये जीरो ये ज़ीरो कट गया तो कितना रह गया टू बाई थ्री तो सेवन का यही आंसर हो जाएगा ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट तो इसमें क्या कह रहा है राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम टू टू ट्वेल्व दो से लेकर बारह तक नेचुरल नंबर लिखना है काउंटिंग नंबर जो होता है वही नेचुरल नंबर होता है वुट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स तो उसमें प्राइम नंबर्स का क्या फ्रैक्शन होगा तो टोटल नंबर तो इतना हो जाएगा और जितना प्राइम नंबर होगा वो ऊपर आएगा तो हम इसको लिख लेते हैं बनाते हैं बोर्ड में ये हो गया क्वेश्चन नंबर एट में ये नेचुरल नंबर जो है टू टू ट्वेल्व तक लिखने के लिए कहा गया है तो टू से लेकर ट्वेल्व तक हो गया तो कितना नंबर हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन हो गया तो एलेवन मतलब है कि इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो नीचे में एलेवन हो जाएगा ठीक है अब जो है यहाँ पे प्राइम नंबर्स कितने हैं तो प्राइम नंबर कौन होता है ये है ये है टू थ्री फोर नहीं होगा फाइव होगा सिक्स नहीं होगा सेवन होगा एट नाइन ये सब नहीं है टेन भी नहीं है और एलेवन एलेवन होगा तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं मैं पहले भी बतला चुका हूँ लेकिन फिर एक बार बता देता हूँ कि वैसा नंबर जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है जो जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है एक वन होता है और वो खुद होता है तो जिसका दो ही फैक्टर होता है वही प्राइम नंबर होता है तो ये सब नंबर जो है उसका सिर्फ दो ही फैक्टर है और ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव फाइव हो गया मतलब फाइव बाई अलेवन यही इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन और इसमें क्या कह रहा है राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम वन टू टू वन हंड्रेड फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स तो सेम क्वेश्चन वैसा ही कह रहा है यहाँ पे छोटा नंबर था टू से लेकर ट्वेल्व तक और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर नाइन में वन हंड्रेड टू से लेकर वन हंड्रेड थर्टीन तक है तो इसको लिखना है और इसके बीच में देखना है कि कितने प्राइम नंबर है उसका फ्रैक्शन लिखना है तो यहाँ पे इसको बोर्ड में ही बनाना होगा क्वेश्चन नंबर नाइन तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ तो यहाँ पे है ये मैंने नंबर लिख लिया है नेचुरल नंबर वन से लेकर वन तक है तो यहाँ पर कितना नंबर हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व टोटल नंबर ट्वेल्व हो रहा है इसका मतलब है कि इसका फ्रैक्शन जो बनेगा वो इसके नीचे जो है ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व हो गया अब प्राइम नंबर इसमें से कितने हैं तो यहाँ पे टू है इसका मतलब है कि ये दूसरे टेबल में मतलब ये कट जाएगा ये प्राइम नंबर नहीं है वन हंड्रेड थ्री तो थ्री वन फोर तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर होगा इस स्पीडिक लगा लेते हैं वन हंड्रेड फोर ये तो होने वाला नहीं है कोई भी इवेंट नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा सिर्फ़ और सिर्फ टू जो होता है वो सिर्फ वही एक इवेंट नंबर है जो प्राइम नंबर है बाकी कोई भी नंबर नहीं है तो ये नहीं होगा ये तो फाइव से कट जाएगा ये नहीं होगा और ये होगा इस स्पीटिक लगा लेते हैं ये नहीं होगा और ये नाइन वन टेन ये होगा इस पीड लगा लेते हैं ये नहीं होने वाला है ये भी नहीं होगा क्योंकि थ्री मतलब थ्री से कट जाएगा ये और ये तो होने वाला नहीं है और ये होगा ये प्राइम नंबर कितना हो गया वन टू थ्री फोर मतलब फोर बाय टूवेल्व तो यही इसका आंसर हो जाएगा ये कट सकता है लेकिन वैसे करने की दिखाने की जरूरत नहीं है ये जो है यही आंसर हो जाएगा यही आंसर दिया हुआ है फोर बाई